प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बिजनौर में करेंगे रैली, हरिद्वार में भी करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में पीएम मोदी की अगले दो दिनों में चार रैलियां, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी करेंगे प्रचार। यूपी में सीएम अखिलेश यादव शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार, मायावती पीलीभीत और अमित शाह इटावा में अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भूले मर्यादा, मायावती पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जो उम्मीदवार जाता है तब उसे पता चलता है, उनका कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तब पता चलता है कि बहन जी राजनीति में नहीं है, बहन जी का तो। प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी की सीटों पर वैलेंटाइन डे को करेंगी प्रचार, रायबरेली में 23 फरवरी को है मतदान। प्रियंका राहुल की साझा रैली 18 फरवरी को, 20 फरवरी से अमेठी में करेंगी प्रियंका प्रचार। वाराणसी में राहुल और अखिलेश के साझा रोड शो पर सस्पेंस, प्रशासन से नहीं मिल सकी इजाजत। अलीगढ़ में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित, प्रधानमंत्री पर हमले के लिए उतारी उन्हीं की नकल। चुनाव जीतने के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री खड़ा होता है, मित्रों हिंदुस्तान गंदा है, इस देश को साफ करने की जरूरत है। वो सिर्फ मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं बोल रहे, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। खत्म हुआ बजट सत्र का पहला फेज, 9 मार्च से होगी दूसरे हिस्से की शुरुआत। पहले चरण के लिए यूपी में थम गया चुनाव प्रचार का शोर, 73 सीटों के लिए 11 तारीख को डाले जाएंगे वोट। बाराबंकी में कलराज मिश्रा ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा सबकी सहमति से बनेगा मंदिर। मैनपुरी में उमा भारती की जनसभा, एसपी कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। अमरोहा में बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने वोट मांगने के लिए क्रिकेट का लिया सहारा, क्रिकेट खेल कर मांगे वोट। बहराइच में नामांकन न होने पाने पर बुजुर्ग के निकले आंसू, पर्यवेक्षक की लाल बत्ती गाड़ी के आगे लेटकर किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में अखिलेश ने सड़कों को लेकर थपथपाई पीठ, कहा अगर मोदी जी भी यूपी की सड़कों पर चलें तो हम देंगे वोट। मथुरा की रैली में अखिलेश यादव ने यूपी के लोगों को दिखाया सब्जबाग, चुनाव बाद गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई का वादा। अखिलेश के दावों पर बीजेपी ने उठाए सवाल, योगी आदित्यनाथ बोले झूठ है काम बोलता है नारा। यहां विकास हुआ होगा किसी जाति विशेष का, लेकिन यहां पर आम नागरिक तबाह है। कानपुर में डिंपल यादव की रैली, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया नया नारा, अब नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, केवल साइकिल केवल अखिलेश। रुड़की में निर्दलीय प्रत्याशी की जनसभा में डांसरों ने लगाए ठुमके, उम्मीदवार बोला जीतने पर सलमान और बॉलीवुड की हीरोइन से करवाऊंगा डांस। कन्नौज में नाले के पानी की समस्या से परेशान लोगों ने मतदान न करने के लगाए पोस्टर, गंदे पानी की वजह से खेतों का हो रहा है नुकसान। हरदोई में दो गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का किया ऐलान, नेताओं की वादा खिलाफी से नाराज हैं ग्रामीण। मिर्जापुर में नामांकन के दौरान अखिलेश सरकार के पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया की दिखी धमक, पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियों को जुलूस में किया इस्तेमाल। अलीगढ़ में छात्र संघ ने की मुसलमानों से बीएसपी को वोट देने की अपील, एसपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह ने भरा पर्चा, समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकाबला। बलरामपुर सदर में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में तकरार, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। वाराणसी में राहुल के रोड शो को लेकर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का तंज, कहा सोनिया वाराणसी में रोड शो में हुई थी बीमार, इसलिए राहुल गांधी ले रहे हैं सलाह। कच्छ में एक महिला ने बीजेपी के अधिकारियों पर लगाया यौन शोषण के आरोप, बीजेपी ने आरोपियों को किया बर्खास्त। एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही दिखा पार्टियों में जोश, स्वराज अभियान ने निकाली रैली, रणनीति को लेकर कांग्रेस की मीटिंग। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार, आज राष्ट्रपति से हो सकती है एआईएडीएमके सांसदों की मुलाकात। तमिलनाडु के दोनों दावेदारों ने राज्यपाल से की कल मुलाकात, शशिकला ने सौंपा था 10 मंत्रियों का समर्थन पत्र। पनीर सेल्वम ने गवर्नर विद्यासागर के सामने रोया दुखड़ा, कहा दबाव में दिया सीएम की कुर्सी से इस्तीफा। जयललिता की भतीजी दीपा के समर्थकों का राजभवन के बाहर हंगामा, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु की सियासी जंग में पनीर सेल्वम का नया दांव, पोस्ट गार्डन को जयललिता का मेमोरियल बनाने का ऐलान।
दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला, गोपाल अंसल को एक साल की जेल, चार हफ्ते में करना होगा सरेंडर। उम्र की वजह से सुशील अंसल को जेल जाने से राहत, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर लगाया था 60 करोड़ का जुर्माना। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी थी आग, करीब 59 लोगों की गई थी जान। विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशें तेज, इंग्लैंड के उच्चायोग को सौंपी गई अपील। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी छात्र विंग में हिंसक झड़प, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के सरगना को पकड़ा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दे रहे छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली में दो नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ करने वाले दो कैब ड्राइवर गिरफ्तार, पब्लिक ने की जमकर पिटाई। हुबली में अनुशासन के नाम पर शिक्षिका ने छठी क्लास की छात्रा के काटे बाल, कई दिनों से बाल कटवाने की दे रही थी हिदायत। झांसी में रेलवे कंट्रोल रूम में तैनात डिप्टी कंट्रोलर की मौत, सीनियर की फटकार के बाद मौत। मोदी नगर में लोकदल विधायक सुदेश शर्मा के चुनावी कार्यालय के बाहर अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां, विधायक को मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरनगर में लोकदल पार्टी प्रत्याशी शहनवाज राणा पर अज्ञात हमलावरों की फायरिंग, चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला। इंदौर में युवक को चाकू दिखाकर लूटा मोबाइल, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के घर के सामने हुई वारदात। बुलंदशहर ऑनलाइन स्कैम में एक सरकारी बैंक के अधिकारी और कंपनी पर लगे करोड़ों के घोटाले का आरोप, निवेशकों ने बैंक में किया हंगामा। पुणे में बिना टिकट यात्रा कर रहे मुसाफिर की रेलवे टिकट कंडक्टर और आरपीएफ पुलिसकर्मी ने की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, 1 फरवरी का है मामला। दिल्ली में नेशनल लेवल की दो ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने लगाए कोच पर यौन शोषण के आरोप, एफआईआर दर्ज। आगरा में पुलिस ने किन्नर गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गाड़ियों को लूटने का आरोप। लुधियाना में जमीन के विवाद में चली लाठियां, तलवार पत्थर और गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। झांसी में बेकाबू कार ने 10 महिलाओं को मारी टक्कर, 8 की मौके पर मौत। मंदिर से लौट रही थी महिलाएं, गुस्साई भीड़ ने कानपुर झांसी में लगाया जाम। गुड़गांव में 20 लाख की फिरौती मांग रहे 4 बदमाश गिरफ्तार, सोना के व्यापारी से मांग रहे थे फिरौती। जींद में ऑपरेशन के दौरान 3 साल की बच्ची की अस्पताल में मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। आगरा में 45,000 की रिश्वत लेने वाला खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी रंगे हाथ पकड़ा गया, लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। रामपुर में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़े पैमाने पर असलहा बरामद। झालावाड़ में धागा फैक्ट्री में लगी आग, 15 दिन के अंदर दूसरी बार लगी आग। बीएसएफ के गायब जवान तेज बहादुर को सामने लाने के लिए पत्नी शर्मिला की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। बीएसएफ डीजी का बड़ा बयान, कहा जवानों के खाने के फंड को लेकर गड़बड़ी आई सामने, जांच का दिया भरोसा। अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर अलगाववादियों ने बंद रखी घाटी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच बंद रहे दुकान और बाजार। मध्यप्रदेश में पाक जासूसी एजेंसी आईएसआई के नेटवर्क का खुलासा, एटीएस की छापेमारी में 11 एजेंट गिरफ्तार। ट्रेन हादसे की साजिश का फिर खुलासा, चंदौसी अलीगढ़ रेल ट्रैक काटने की तैयारी, पटरी के पास ही रखे थे हथियार। भिंड में हिरासत में महिला ने जहर खाकर दी जान, अवैध रिश्ते के आरोप में थाने लेकर आई थी पुलिस। राजस्थान की करौली में घर के सामने खड़ी कार में आग, देखते ही देखते जलकर खाक हुई गाड़ी। बिजनौर में छेड़छाड़ के आरोपी वकील की जेल शिफ्ट करने पर बवाल, वकीलों ने विरोध में किया प्रदर्शन। दिल्ली में मोतीनगर से पुलिस के हत्थे चढ़ा ठगों का गिरोह, मेट्रो में नौकरी देने के नाम पर 2,000 युवकों से ठगी। पोस्टर के जरिए युवाओं को देते थे नौकरी का झांसा, पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को धरा। बिहार के समस्तीपुर में छेड़खानी के विरोध में जमकर बवाल, आरोपी की पिटाई के बाद सड़क जाम। सिरसा में नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़, फर्जीवाड़े के लिए कंप्यूटर स्कैनिंग की लेते थे मदद। कोबरा के साथ सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर डालकर फंसी अभिनेत्री श्रुति, मुंबई के बोरीवली कोर्ट ने भेजा जेल। बिहार में यासिन भटकल के साथी पर गोली चलवाने वाले गैंगस्टर को पुलिस ने दबोचा, बादल पर हत्या और फिरौती समेत दर्जनों मामले। दिल्ली में NH24 के चौड़ीकरण का काम शुरू, सैकड़ों झुग्गियों पर चला बुलडोजर।
राजस्थान के भरतपुर में पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना, पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की धमकी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कुएं में गिरा मगरमच्छ, वन विभाग ने एक घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पंजाब और हरियाणा में फिर गोते लगा रहा है पारा, करनाल में 4 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। फिर शीतलहरी की गिरफ्त में है राजस्थान, किसानों की बड़ी परेशानी। भारतीय सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है न्यूयॉर्क, ट्रैवल सर्च इंजन के सर्वे में दावा। हैदराबाद टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर बना डाले 356 रन। टीम इंडिया को विराट से 200 शतक की उम्मीद, विराट 111 रन बनाकर अब भी क्रीज पर। विराट ने हैदराबाद में जड़ा टेस्ट करियर का 16वां शतक, बतौर कप्तान टेस्ट में उनकी 9वीं सेंचुरी। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने खेली 108 रनों की पारी, चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 83 रन। केएल राहुल से 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन, अजिंक्य रहाणे 45 रन बनाकर नाबाद।